नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BEd, BSTC, BSc BEd, BA BEd में स्क्रैप बुक आप किस प्रकार से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर स्क्रैप बुक क्या होती है, स्क्रैप बुक कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसमें लिखना होता है, किस प्रकार से स्क्रैप बुक की जो डिज़ाइन है वो करनी होती है। पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी जो तमाम अपडेट्स होती है आपसे संबंधित जो भी कोई जानकारी होती है वो मैं लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं दिखाता हूँ कि स्क्रैप बुक आपको बनानी कैसी है, क्या क्या उसके अंदर लिखना होता है और किस प्रकार से उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो की जाती है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हमारा चैनल दिखाई दे रहा है और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों घंटी के निशान को ज़रूर दबाना है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्क्रैप बुक कैसे बनानी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रैप बुक आपके सामने है। जब आप बाज़ार से स्क्रैप बुक फाइल लेकर आते हो तो कुछ इस तरीके से होती है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है, रंगीन पेज भी आते हैं और लिखने के लिए भी आपको पेज दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, जो भी कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। अलग अलग रंगों के जो पेन आते हैं उससे आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। और जो रंगीन पेज हैं इस पर आपको जो टॉपिक दिया जाएगा इस स्क्रैप बुक फाइल के अंदर लिखने के लिए, उससे संबंधित जो डिज़ाइन है, जो चित्र है वो आपको चिपकाने होते हैं। जो रंगीन पेज होते हैं इसके अंदर आपको जो पेज हैं वो चिपकाने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर टॉपिक रंगोली यदि आपको दिया गया है तो जितने भी प्रकार की रंगोली होती है उनको आपको यहाँ पर साइड में चिपकाना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हर जो कॉलेज है उसका अलग अलग जो टॉपिक है वो दिया जाता है हर बच्चों को, और हर कॉलेज का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। हो सकता है स्क्रैप बुक फाइल आपकी दोनों साइड के जो पेज है वो रंगीन हो। यहाँ पर आपको एक रंगीन पेज दिखाई दे रहा है और एक ब्लैंक पेज जिस पर आप लिख सकते हैं वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारी स्क्रैप बुक ऐसी होती है जिसमें आपको रंगीन पेज पर ही डिज़ाइन करके लिखना होता है। तो उस तरीके की जो स्क्रैप बुक है उसका जो फोटो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इस तरीके से यहाँ पर ये रंगोली के बारे में लिखा हुआ है, तो इसी के साइड में आपको चित्र भी बनाने होते हैं। तो वो किस प्रकार से बनाने हैं, कैसे कैसे आपको डिज़ाइन करना है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्क्रैप बुक फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रैप बुक के पीछे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्क्रैप बुक क्या क्या होती है, व्हाट इज ए स्क्रैप बुक। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर इसको पढ़ भी सकते हैं स्क्रैप बुक क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्क्रैप बुक होती है उसको कवर पेज या अंदर की जो डिज़ाइन होता है वो किस प्रकार से आपको करना होता है। लिखने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो स्क्रैप बुक का जो डिज़ाइन होता है बाहर का कवर पेज का और अंदर का, वो मैं दोनों के दोनों जो पेज हैं वो बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रैप बुक के अंदर के जो पेज होते हैं वो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग जो रंगीन पेन आते हैं उनसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर जो वाइट पेपर के अंदर जो बिल्कुल वाइट पेपर आता है उसके अंदर आप रंगीन पेनों से लिखकर ऐसे चिपका भी सकते हो। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो। एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ कि इस प्रकार से आप अपनी जो स्क्रैप बुक को है वो इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी फ़ोटो है हमारे पास स्क्रैप बुक की, यहाँ पर आप चित्र भी बना सकते हो, चित्र चिपका भी सकते हो, लेकिन वो कलरफुल होने चाहिए ताकि अट्रैक्टिव लगे, और इस प्रकार से आपको उनको व्यवस्थित रूप से चिपकाना है ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी आप जो डिज़ाइन है वो कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके की जो पट्टियाँ हैं वो बाज़ार में भी मिलती हैं। तो इन तरीके की जो पट्टियाँ होती है, डिज़ाइनिंग जो बॉर्डर लाइन होती है, इनको भी आप चिपका सकते हो अच्छी प्रकार से। तो ये डिज़ाइनिंग मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कवर पेज होता है स्क्रैप बुक के बाहर का, उसका कवर पेज आप इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हो। जो रंगीन पेज होते हैं उसको आप अपने अनुसार फूल का आकार देकर काट कर यहाँ पर आप इसको चिपका सकते हो ताकि आपकी जो स्क्रैप बुक है वो अच्छी से लगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं जो कवर पेज हैं वो आपको दिखाए हैं, आपके अनुसार आप किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताई गई है, आप सिंपल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो लेकिन वो अच्छा लगना चाहिए।
यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से भी आप जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, ये जो रंगीन पेज आते हैं उसी से कैंची के माध्यम से इनको बनाया गया है और चिपकाया गया है। तो आप भी इस प्रकार से चिपका सकते हो ताकि जो कवर पेज है आपका वो बड़ा सुंदर लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो स्क्रैप बुक का कवर है वो आपको बनाना होता है। इस प्रकार से आप सादा भी बना सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हैं जो कवर पेज होते हैं वो आप स्क्रैप बुक के ऊपर बना सकते हो और अंदर के साइड जो है वो आप चिपका सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। इस तरीके से जो भी आपको टॉपिक मिलता है उस टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है वो कारीगरी है चित्रकारी वो आपको करनी होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्क्रैप बुक क्या होती है। स्क्रैप बुक कॉलेजों के अंदर बनवाई जाती है, बहुत सारे स्कूलों के अंदर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, तो इस तरीके से जो स्क्रैप बुक है वो बनाई जाती है। चलिए दोस्तों ये एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।